तो पाकिस्तान के आवाम डिसाइड करती है। और अब आगे चलता हूँ वैक्सीन के ऊपर। देखिए, भारत ने अब तक दो वैक्सीन रोल आउट कर दी, दो वैक्सीन और आने वाली है। तो पूरे विश्व के अंदर ये इतना बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर जो भारत है, लगभग 50% से 70% मार्केट को वैक्सीन के भारत केटर करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन के मामले में। और वर्ल्ड लीडर है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सिर्फ वर्ल्ड लीडर से खाली कॉलर ऊपर करने से काम नहीं बनता, जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जब वैक्सीन जितनी जल्दी आ सके, तो वो जितनी जल्दी आ सकती थी उतना प्रयास यहाँ के साइंटिस्ट ने किया। और हैट्स ऑफ टू द साइंटिस्ट, किस प्रकार से उन्होंने काम किया है दिन रात लगकर। मैं सच बताऊं कि मैं खुद भारतीय हूँ, खुद इंडियन हूँ, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इस बात का जरा सा भी ये नहीं था कि इतना जल्दी ये लोग कर लेंगे कि वर्ल्ड के साथ में। क्योंकि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, फर्स्ट जनरेशन पे काम करते हैं वो लोग, उनके पास सब कुछ हमसे मुहैया ज्यादा होते हैं, संसाधन हमारे से ज्यादा होते हैं, इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं हमारे से, हमारे लोगों के पास उतने नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि साउथ एशिया से, मतलब ये माना जाता है अगर आप पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे तो कचरे का डब्बा, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। लेकिन आज पूरी दुनिया साउथ एशिया की तरफ देख रही है, आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। क्योंकि चार चार वैक्सीन बना लेना, दो को रोल आउट कर देना, दो को एक्सपोर्ट कर देना, ये बहुत मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात, जो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक की एक पर्टिकुलर, उसमें होल वायरस का इस्तेमाल किया गया, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी वैक्सीन के लिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, एक होता है कि सिर्फ शेल, वैक्सीन का जो शेल, जो सॉरी वायरस का जो शेल है, सिर्फ उस पर काम करते हैं। दूसरा होता है वायरस को वर्टिकली हाफ डिवाइड कर देते हैं, उस पर काम करता। तीसरा होता होल वायरस पे काम कर रहा। तो जो कोवैक्सीन है वो होल वायरस पे काम कर रही, भारत बायोटेक की जो ये है वो होल वायरस पे काम कर रही। तो जब होल वायरस पे काम कर रही है, तो ये वैक्सीन सबसे बेस्ट वैक्सीन मानी जाती है वर्ल्ड में। ये भी बना लिया, आ भी गया, सवाल उठता है कितना इस पर कॉन्फिडेंस है लोगों का। तो देखिए, ब्राजील जैसी कंपनी चाइना से ले रही थी, उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि उसकी एफिकेसी जो है वो 50% के आसपास थी। कोवैक्सीन की एफिकेसी 95% हमारी जितनी भी वैक्सीन है उसमें 95% के आसपास एफिकेसी रेशियो है। तो ब्राजील ने भी वो ऑर्डर रोका, उसके बाद भारत को ऑर्डर दिया कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का ऑर्डर, कोवैक्सीन का ऑर्डर, लगातार लाइन लगे हुए। सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये सभी बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल से मैं नहीं समझता कि इनका कोई भी साइंटिस्ट या इनका कोई भी वर्कर भी शायद चैन की नींद सो पाया होगा। तो एक सैल्यूट तो इन सबको बनता है, इनको एक नमस्कार तो इनको भी बनता है, नमन इनको बनता है कि जिस मेहनत से उन्होंने काम किया है, कोई दो राय नहीं है। इतनी शॉर्ट स्पैन में आना बहुत मुश्किल। जहां तक विश्वास की बात है, देखिए, जनता के पास ऑप्शन नहीं है विश्वास। और अगर विश्वास नहीं होता तो इतनी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका, ब्राजील हो, अमेरिका हो, रशिया हो, रशिया के पास स्पुतनिक है, उसके बावजूद रशिया से ऑर्डर आ रहा है, पूरे यूरोप से ऑर्डर आ रहा है। तो ऑर्डर क्यों आ रहा है अगर विश्वास नहीं? तो एक बात तो कंफर्म है, विश्वास सबको पता है, जो अवेलेबल वैक्सीन है उनमें बेस्ट भारत की जो वैक्सीन है वो उनमें बेस्ट है। और सबसे मजे की बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जैसी बाहर की कंपनियां भी वो बनवा इंडिया में ही रही है वैक्सीन, भले ही रिसर्च उन्होंने किया हो लेकिन वैक्सीन इंडिया में ही बन। तो दूसरी बात यह है कि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, सिर्फ 250 रुपए की वैक्सीन है, जो भारतीय वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन, उनका सिंगल शॉट ही तकरीबन 1200 रुपए के आसपास स्टार्टिंग है, अगर इंडियन करेंसी में करते हैं। वहां तो शायद कुछ मेरे ख्याल से $100 के आसपास ले रहे हैं एक शॉट का। तो वट एवर इट इज, वी विल नॉट गो इन टू द प्राइसिंग, बिकॉज जीवन के आगे प्राइसिंग की कोई कीमत नहीं। तो विश्वास तो है, सबको विश्वास है, भारत की जनता को लेकिन विश्वास। सर, कहाँ आपने टेस्ट किया है इसको? और जैसे इंडिया में तो खुद इतने ज्यादा केसेस हैं, बहुत ज्यादा, बल्कि केसेस मैं कहूंगी कि, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो केसेस भी उसी लिहाज से, तो आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से लोगों को देंगे? क्या जो जिनके पास पैसा है पहले उनको मिलेगा या किन लोगों को पहले मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत में केसेस कितने हुए, भारत में जितने केसेस हुए कंपेयर, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे पूरे विश्व के अनुसार, तो हमारा रेशियो बहुत कम है, मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ही कम है। बहुत अच्छे से मोदी साहब ने इसको, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज किया पूरी चीजों को। लॉकडाउन बहुत लंबा रहा, सरकार को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, पूरा भारत लगभग लगभग 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद, जीरो टैक्स टैक्स आ रहा था सरकार के पास। इसके बावजूद 60 दिन तक पूरे भारत को बैठाकर खिलाना, लोगों के घर राशन पहुंचाना, ये सरकार ने किया। लोगों को अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ा, आटा है, तेल है, मिर्च है, मसाले हैं, सब लोगों के घर पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचे।
जिन्होंने लेने थे उन्होंने लिए, जिन्होंने नहीं लेने थे उन्होंने नहीं लिए। लेकिन इस बार मैं तारीफ करूंगा भारत की जनता की कि हाँ उन्होंने भी बेईमानी नहीं करी, जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने खरीदा, वो फ्री वाली लाइन नहीं लगी। ये एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान को भी भारत से इस बात का सबक लेना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को भी। अगर वहां ऐसे कुछ लोग हैं कि जो लाइन में लग जाते हैं, तो वो गरीबों का जो है ना उस पर उन्हीं का हक है, हम उसके हक को ना मारें। ठीक है, ये पूरे विश्व को ये संदेश जाता है, कोई सिर्फ पाकिस्तान। दूसरी बात कि अब ये वैक्सीन आ गई है, सवाल ये उठ रहा है कि मोदी साहब ने, आपने सवाल किया था मोदी साहब ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, भारत में भी पाए जाते, पूरे विश्व में पाए जाते। एक वो होते हैं जो कुछ भी करते हैं सब कुछ मैंने किया, और एक वो होते हैं जो करते सब कुछ है लेकिन नाम आपका लगा कि भाई बहुत अच्छा शो हुआ आरजू जी, आपकी वजह से बहुत अच्छा शो हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। वो वाले होते हैं, कुछ दूसरे वो होते हैं ना ना मेरी वजह से आपका शो चला। तो इस वक्त जो तो सरकार है वो सरकार पहले वाली सरकार है कि जो किया आपने किया वो पहले आपको रखती है, खुद को बाद में रखती है। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट एक बहुत टिपिकल सेवा भाव वाला माइंडसेट है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में जो पहली वैक्सीन का डोज जो गया वो किसको गया, एम्स का जो स्वीपर है जो झाड़ू लगा, हमने उसको सबसे आगे रखा। इसलिए नहीं रखा कि उसको मारना है, लोगों के मन में गलत फहमी, मोदी साहब ने नहीं लगाया, मोदी साहब सबसे आखिरी में लगवाएंगे, हो सकता है लास्ट शॉट लगवाए, क्योंकि वो उनमें से हैं जो खुद के लिए कुछ नहीं करते। अगर स्वीपर को पहले लगाया तो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही मोदी साहब है जो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिन्होंने स्वीपर्स के पैर धोए थे, अपने हाथों से पानी से पैर धोए और पोंछे उनके पैर, और उनका सम्मान किया। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग जो है, कुंभ मेला जब लगा था, हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसमें मोदी साहब ने कुंभ मेले के सफलता के बाद उनके पैर धोए थे। तो ये पूरे विश्व के अंदर लाइव टेलीकास्ट हुआ था, तो उनको कोई शर्म नहीं। और आज जब बारी आई कुछ देने की, तो सबसे पहले उनको दी, सम्मान भी वो उनको देते हैं, सबसे पहले भी उनको देते हैं और खुद पीछे रहे। भारत में ऐसे भी लोग रहे हैं जो सबसे आगे खुद रहते हैं, ऐसे भी हुक्मरान रहे हैं जो मुझे पहले लगा, पहले मैं सही बोला। पर ये हमें, ये एक प्रेसिडेंट पूरे विश्व में सेट होना चाहिए, लीडर्स को ये सेट करना चाहिए कि हमारे लिए जनता पहले, हम पहले नहीं। तो ये चीज, दो चीजें क्लियर होंगी। आपने एक सवाल और पूछा था, अभी क्या सवाल था आपका? सर, इसमें आपको कितना रिस्क कितना लग रहा है? ठीक है, हम आप लोग दूसरों को पहले लगा रहे हैं मोदी जी, वो जो वैक्सीन है, लेकिन इसमें रिस्क कितना है? अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो वही भुगतेंगे ना जिन जिन्होंने पहले लगाया होगा। और दूसरा देखिए यही है कि इसका मैं आपको बताऊं, इसकी ये बहुत जी वैक्सीन आने में देर क्यों लगती है, वैक्सीन तो तुरंत, हाँ वैक्सीन तुरंत बन जाती है, आने में देर क्यों लगती है, क्योंकि उसके ट्रायल स्टेजेस हैं। पहले वो रैट्स पर होगा, माइस पर होगा, फिर इसके बाद बंदरों पर होगा, इस पर उसमें करते करते लास्ट में आता को आता है कि भाई ह्यूमंस पे ट्रायल होगा। तो फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज थ्री में 40,000 लोगों पर इसका ट्रायल हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 40,000 को लग चुका है, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब जाकर इसको रोल आउट किया गया। नाउ इट इज बीन रोल्ड आउट, अब तो ये कमर्शियल उसमें आने लगी। सवाल ये उठता, आपने एक सवाल और किया था कि क्या ये फ्री में दी जाएगी या इससे पैसा कमाया जाएगा। हाँ एज ए बिजनेसमैन अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भाई इसमें इस तरह से करना चाहिए कि जिसको पैसे लगवाना, पहला हफ्ता पैसे वालों के लिए छोड़ दीजिए, आपको लगवाना है जल्दी आ जाइए लगवा लीजिए। लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन उस पर देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है, भारत की सरकार जो है उसको सभी के लिए बराबर रख रही है। जो इलेक्टोरल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, इलेक्टोरल लिस्ट है, उसके आधार पर सबको लगाया जाएगा। पहला शॉट लगेगा, फिर 28 दिन बाद दूसरा शॉट लगेगा, फिर एंटीबॉडीज डेवलप होने में अनदर 15 डेज लगेंगे। तो अभी ऐसा नहीं कि कल लग गया तो भारत में सब लोग आराम से घूम पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये पाकिस्तान की जनता भी समझ ले, आपके अभी जो भी वैक्सीन आएगी दो शॉट की आएगी, जहां तक मैं समझता हूँ, पहले शॉट के बाद दूसरा शॉट लगेगा, उसके बाद अनदर 15 डेज टू 30 डेज लगेगा एंटीबॉडीज डेवलप होने में। तब तक आपको उतनी ही सावधानी रखनी है जितनी कि हम अभी रख रहे हैं। ये नहीं कि हमको शॉट लग गया तो हम फ्री हो जाए, और इसके बाद भी अगर मुझे वैक्सीनेशन हो चुका है, प्रॉपर हो गया, तब भी मैं वायरस का कैरियर जरूर बन सकता हूँ। मुझे नहीं लगेगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, पर मैं कैरियर बन सकता हूँ। तो जो जिनको नहीं लगा है उनके लिए मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। तो सावधानी तो अभी हमको और रखनी है, कम से कम 1 साल और चलेंगे। तो सर, जैसे ये COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं वो आपके यहाँ बहुत ज्यादा थे, ऑफ कोर्स आपके जैसे मैंने कहा कि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज को भी आप ऑफर कर रहे हैं, तो आपके अपने अपनी कंट्री में क्या वो चीज इतनी ज्यादा बन चुकी है या बन जाएगी कि आप अपने सारे लोगों को देने के बाद आप बाहर भी दे सकें?
देखिए माइंडसेट का फर्क पड़ता है, भारत वही है जो पहले था, कोई ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन जो हुक्मरान है उनका माइंडसेट कैसे बदलता है। हमारे यहाँ जब कोविड आया, मोदी जी को पता था ये कोविड आने वाला है, मोदी जी ने लॉकडाउन किया, और आपको लग रहा है कि लॉकडाउन के समय पे कुछ काम नहीं हुआ। लॉकडाउन के समय पे वो प्रोजेक्ट शायद कभी हो नहीं सकते, जैसे रेल नेटवर्क है, इंडिया ने अपना रेल नेटवर्क बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। और जब ये हुआ तब भारत में इस कदर कैंप्स बनाए गए थे, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे, मैं समझता हूँ विश्व का सबसे बड़ा एक जगह पर 10,000 का आइसोलेशन सेंटर शायद शायद भारत के अंदर ही है, शायद इतना बड़ा आइसोलेशन सेंटर किसी ने नहीं बनाया, इतना बड़ा सेंटर किसी के पास नहीं था जो भारत ने बनाया था, सिंगल एक ही जगह पर 10,000 लोगों को क्योर करने का। तो भारत कहाँ तैयारी कर रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं थे हमारे पास में, रातों रात वेंटिलेटर्स बनाए गए, रातों रात वेंटिलेटर्स की फैक्ट्रियां लगाई गई, रातों रात काम हुए, ये सब कुछ हुआ और बहुत फास्ट हुआ, 15-15 दिन में सब कुछ हुआ। पूरे भारत को लगे जितने हमारे सेंट्रल स्कूल्स हैं उनको तब्दील किया कर दिया गया था, सारे स्कूल्स को तब्दील कर दिया गया था, उसमें व्यवस्थाएं की गई थी, बाकायदा टेंडर्स देकर उनको काम दिया गया था, खाना कौन पहुंचाएगा, कपड़े कौन धोएगा, ये सब कुछ बहुत बहुत फास्ट हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कहीं कोई करप्शन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात। और इतना बड़ा मॉडल करना, देखिए एक तरफ भारत है जहां भारत के जो वजीर आजम है वो क्या चाह रहे थे, उन्होंने लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए, वो वहां व्यस्त थे, पुरानी मानिएगा, लेकिन पाकिस्तान में जब मैंने देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम ट्रेंचेस खुदवा रहे थे जेसीबी से कि लोगों के लिए कब्र कम ना पड़े। अरे हमें लोगों को बचाना है, उन्हें मारना थोड़ी कि मर जाएंगे तो उनके लिए कब्र का इंतजाम कर रहे, हम बेड का इंतजाम कर रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है। हमारे यहाँ आइसोलेशन सेंटर्स का इंतजाम हो रहा, हमारे यहाँ वेंटिलेटर का इंतजाम हो रहा, आप वहां पर कब्र खोद रहे हैं लोगों के लिए। ये माइंडसेट किसी का भी हो गलत है, अगर भारत में होता तो भी गलत है, पाकिस्तान में हो रहा, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, वहां की जनता के बहुत मेरी संवेदनाएं हैं। इस प्रकार से देखिए माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, कितनी भी बड़ी बिल्कुल बीमारी है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगे कि हम अपने लोगों को बचाएंगे। लीडर वो होता है जो लोगों को बचाता है, लीडर वो नहीं होता जो कहता है ठीक है तुम सब कब्र में सो जाओ मैं बड़ी कब्र खोद देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हुआ, ठीक है। इसके अलावा बात आती है हमारे मैनेजमेंट की, हमने इतनी जल्दी कैसे बनाया, हाँ ये और भी ज्यादा फास्ट हो सकता था, लेकिन जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसमें जो बंद गए मोदी जी, उसमें जो वजीर आजम भारत के बंद गए, उस कारण नहीं हो पाया, नहीं तो अभी आप जितनी कैपेसिटी देख रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था और वो हो भी जाता, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस इतनी थी, फिर वो वहां से बाहर से विदेशों से पंगे आते, उस चक्कर में वो रुका, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ किसी भी देश के मुकाबले भारत ने बहुत अच्छी तरह से इस काम को किया है, और हैट्स ऑफ टू मोदी जी, इसमें भारत के वजीर आजम ने जबरदस्त काम किया है, काम करते करते अब तो उनकी खैर दाढ़ी भी बढ़ चुकी है। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने इस तरह से बनाया है, एंड आई विश के उसका जो है वो कोई साइड इफेक्ट ना हो और लोगों को उससे फायदा हो। लेकिन सर आप लोग पहले किन लोगों को लगाएंगे, जो ऑलरेडी कोरोना पेशेंट रह चुके हैं या जो उससे बचे हुए हैं, पहले किसको लगेगा? देखिए सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा, सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को लगेगा, पुलिस को लगेगा, जो इंजीनियर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में हैं, जो फ्रंट डेस्क पे बैठते हैं, कैश काउंटर्स हैं, बैंक वाले हैं, पहले ये फर्स्ट लेन में रहेंगे इसके। और जो जिनकी एज ज्यादा है 70-60+ जो लोग हैं उनको लगेगा, ये पहले फेज में। सेकेंड फेज में फिर दूसरे नंबर पर बाकी लोग आएंगे जिनको बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां वाले भी फर्स्ट फेज में है, इसके बाद में जिनको बीमारियां हैं, जिनकी एज कुछ थोड़ी सी ज्यादा है, वो धीरे धीरे करके लाएंगे, फिर लास्ट में जाकर वो यंगस्टर तक आता है वो धीरे धीरे करके, तो ये तकरीबन 3 से 4 फेज में जाएगा। नहीं सर, जिसको हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई हो चुका ऑलरेडी, उसको भी लगेगा, उसको भी देखिए नहीं आप एक चीज समझिए, कोरोना के स्ट्रेन्स उसको बहुत सारे, पहले अगर लगेगा या उसको बाद में रखेंगे आप? आपके उनको ख्याल क्या गंभीर है? बीमारियां हैं तो उनको पहले लगेगा, फर्स्ट फेज में लगेगा, अगर गंभीर बीमारियां नहीं है कोरोना के साथ, अगर वो नॉर्मल है तो उनको फिर बाद में लगेगा। तो सर यहाँ पे हम देखते हैं कि अपोजिशन जो आपकी है वो काफी नाराज है, उसको कोई भरोसा नहीं है, तो उनका भरोसा जीतने के लिए मोदी जी क्या करेंगे? और दूसरा ये कि यहाँ पर भी कोई वो हिंदू और मुस्लिम वाली चीज तो नहीं सामने हमें देखने को मिलेगी कि मुसलमानों को बाद में लगा दो, हिंदुओं को पहले लगा दो? होना तो नहीं चाहिए, आई विश कैसा ना हो कि सबको एक ही जैसे ट्रीट करें जैसे किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में, लेकिन ये कि फिर भी, क्योंकि मैंने आपकी डिबेट्स में सुना है, मैंने वहीं से उठाया है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, आपकी डिबेट्स में ये बात हो रही थी आज भी कई चैनल्स पे कि हिंदू मुस्लिम उसमें एक उन्होंने फैक्टर निकाल लिया था, फिर वो कह रहे थे जी जो अपोजिशन है वो कह रही थी हमें तो कोई ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर।
देखिए क्या होता है, ऑपोजिशन का एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा चलाता है। अब हिंदू मुस्लिम की बात कर लेता, ऑपोजिशन का एक एजेंडा, वो कहते हैं कि भाई हिंदुओं के लिए आप कर रहे हो, मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे। फैक्ट रिमेन्स कि भारत में जब कोई सड़क बनती है तो सबके लिए बनती है। बिजली अगर मेरे यहाँ आ रही है तो मेरे पड़ोसी मुसलमान का भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसके बंद कर दी जाएगी, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे काट। इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो जैसी बनी है, घर के सिलसिलेवार घरों से बनी हुई है, उसमें पीछे मुसलमान का घर है, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं इसको लास्ट में रखो, वो पहले ही आएगा। अगर पहले है उसको पहले ही वैक्सीनेशन होगा। मजे की बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पिछली बार बोले, इस बार बोले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक चीज और जुड़ गई, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी स्कीम्स उन्होंने मुस्लिम्स के लिए रोल आउट कर दी हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि यदि आप भारत में मुसलमानों के लिए स्कीम्स देख लेंगे, शायद विश्व में किसी दूसरे देश में इतनी स्कीम्स नहीं होंगी। और ये बहुत बड़ा कारण है कि अब हिंदूज भी नाराज हो रहे हैं मोदी जी, वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण करते हो, आप तो सिर्फ मुसलमानों को पूछ रहे हो। तो मैंने मोदी जी तो फंस गए, इधर मुसलमान के जो नेता है वो कहते हैं मुसलमानों के लिए नहीं करते, इधर हिंदू बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हो, पर एक्चुअली वो सबके लिए करते हैं। और कोई भेदभाव किसी प्रकार का कहीं भी नहीं है, ना वैक्सीनेशन में है, ना बिजली में है, ना सब्सिडीज में। हाँ सब्सिडीज में थोड़ा सा है, उनको ज्यादा मिलती है, उनको पीएससी के लिए कोचिंग, तो आईएएस के लिए जो कोचिंग होती है, सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग होती है, वो उनको कोचिंग मिलती है जो हिंदू उसको नहीं मिलती, उसका पैसा सरकार देती है हमारे। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो उनको मिल रही है, उस्ताद स्कीम है, तमाम सारी स्कीम है जो मुसलमानों के लिए है लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं है। तो माइनॉरिटीज को हमारे यहाँ भारत में हमेशा ज्यादा सुविधा दी गई है, ये 1947 से लेके आज तक का इतिहास है, और अभी भी दी जा रही है, जो कि एक लिहाज से मैं समझता हूँ इसको गलत भी मानता हूँ। क्योंकि पहली बात तो मुसलमान भारत में माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान भारत में 20 से 30% के आसपास हैं। वो कभी बोलते हैं 35 करोड़ है, कभी बोलते हैं 20 करोड़, तो हम भी नहीं समझ पाते कितने हैं। तो जितने भी हैं सभी भारतीय हैं, और सभी को बाकायदा वैक्सीन लगेगी। पक्षपात कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा आप फायदा दे रहे हो, ना ये होना चाहिए हिंदुओं को ज्यादा फायदा दे रहे हो। देखो एक एक समझिए, हुक्मरान के लिए, वजीर आजम के लिए सब बराबर होने चाहिए, और भारत में लगभग ऐसा है, भारत में सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव कहीं से कहीं तक नहीं है। हम लोग ये नहीं देखते कि कहाँ कौन आदमी काम कर रहा है, आईटी इंडस्ट्रीज में मुस्लिम्स भी काम कर रहे हैं, बाल कटवाने हम जाते हैं 80% मुस्लिम, 90% मुस्लिम, तो ऐसा नहीं है, ये सब तो सब फालतू की बात है। और देखिए ऑपोजिशन को कुछ तो कहना है अपनी दुकान चलाने के लिए, अगर कुछ भी नहीं कहेंगे तो काम कैसे चलेगा फिर, ऑपोजिशन ही किस मतलब। लेकिन मैं समझता हूँ कोरोना जैसी चीज में, मतलब